हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पास किचन। अभी विंटर चल रहा है तो मेथी तो बहुत फ्रेश मिलती है, एकदम हरी हरी मिल रही है। तो क्यों ना हम इसे अपने फ्रीज में इस तरह से रखें कि ये पूरे साल भर हम यूज कर सकते हैं एकदम फ्रेश। तो आज मैं आपको यही तरीका सिखाने वाली हूँ कि आप अपने फ्रीज में मेथी को कैसे रखें कि आप पूरे साल तक उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। पहले हम मेथी में से पत्ते निकाल लेंगे। हमें फ्रेश मेथी ही लेनी है जिसके पत्ते एकदम हरे हरे हो। जो येलो हो गए हो उसे हमें निकाल देना है। इस तरह से हमें पत्ते लेने हैं। देखिए, इस तरह से हमें सारे पत्ते अलग कर लेने हैं। अब एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और इसमें हम मेथी के पत्ते ऐड करेंगे। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अब हम इसे हाफ आवर तक ऐसे ही रखेंगे ताकि इसमें से सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब मेथी को मैंने एक कॉटन के कपड़े पर फैला दिया है। इसे तब तक सुखाना है जब तक इसका मॉइस्चर चला ना जाए। इसे आप फैन के नीचे भी रख सकते हैं, पर इसे धूप में नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, अब हमारी मेथी में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो अब ये रेडी है स्टोर करने के लिए, लेकिन मैं अभी इसको छोटा छोटा कट कर लूंगी, फिर उसे डीप फ्रीज में रखूंगी ताकि जब भी हमें यूज करना हो हम आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। इसे ज्यादा बारीक भी नहीं काटना है, रफली ही चॉप कर लेना है। अब हम इसे स्टोर कर लेंगे। मेथी को स्टोर करने के लिए हमें जिप लॉक बैग या तो फिर किसी एयर टाइट कंटेनर का यूज करना है। तो इस तरह से या तो जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में इसे हमें रखना है। बस इसे अब बंद कर दीजिए और फिर आप डीप फ्रीजर में इसे रख दीजिए। बस, तो रेडी है हमारी मेथी की भाजी डीप फ्रीजर में जाने के लिए। और अब ये एक साल तक आप यूज कर सकते हैं। आप जो भी चाहे बनाइए पूरे साल भर, मेथी के पराठे, मेथी की सब्जी, मेथी के पकोड़े, कुछ भी बनाइए, फ्रेश फ्रेश खाइए और अपने गेस्ट को भी खिलाइए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।